गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोल पे। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं सिया देवी जाने का प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर है जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किए हुए हैं, उन्होंने बताया कि अभी वाटरफॉल मत आइए क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं है। मतलब कि जो झरना जो गिरता है वो अभी उतना खासा कुछ नहीं है, तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं भी बोला चलो ठीक है, अभी बारिश भी उतना खासा कुछ हुआ नहीं है, तो मैं एक दो हफ्ते रुक जाता हूँ, उसके बाद फिर प्लानिंग करेंगे। लेकिन आज हम लोग जाने वाले हैं राजनांदगांव। द्विवेदी को भी काम है, मुझे भी काम है। हम लोग पूरा सेफ्टी के साथ में जाने वाले हैं, सैनिटाइजर पकड़े हुए हैं, ग्लव्स पकड़े हुए हैं, मास्क तो अपन पकड़ते हैं, मैं तो गमछा भी बांध लेता हूँ अपने चेहरे पे, आपने देखा ही है। और द्विवेदी को भी मैंने बोल दिया, तो चलिए आपको ले चलते हैं। पहले द्विवेदी के यहाँ चलेंगे। क्या मस्त मौसम हो गया, एकदम सुहाना सा। ये है साईं बाबा मंदिर, ओपन है अभी, खूबसूरत सा नज़ारा। हाल ही में यहाँ भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हुए हैं, उस साइड एरिया में पूरा सील कर दिया गया है। ये सेक्टर 6 मार्केट है। अभी हम लोग जा रहे हैं सैनिटाइजर लेने के लिए, ख़त्म हो गया अपना सैनिटाइजर। ये वाली दुकान से ले लेते हैं सैनिटाइजर। सैनिटाइजर ले लिए हैं और पूरा सेफ्टी के साथ में हम लोग चलते हैं। आपको मैं ये सब दिखलाता नहीं हूँ, लेकिन मैं बोला चलो आज दिखला देता हूँ। तो अभी हम लोग राजनांदगांव जा रहे हैं, कुछ डेट में कुछ हेरा फेरी हो गया है, तो सुधारने के लिए इस साइड आए हुए हैं। यहाँ से पेट्रोल डला के अपन निकल चलेंगे, दुरुग होते हुए चलेंगे राजनांदगांव। तो अभी इसके बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो यहाँ पे तो भाई देखो क्या बेहतरीन बाइक है भाई। ये सब बाइक मैं बड़े बड़े यूट्यूबर का देखता हूँ, तो ऐसी बनने के लिए आया हुआ है। ये कौन सा है, हिमालयन? ये देखिए CG07 BMW। इतनी हैवी बाइक। यहाँ हम लोग पुलगांव होते हुए चलेंगे, राजनांदगांव। पहले हम लोग हाईवे से जाते थे, लेकिन अभी हाईवे में बहुत बार आना जाना हो चुका है, तो हम लोग अब अंदर ही अंदर चलने वाले हैं। ये वाला ओवरब्रिज का भी काम अभी सक्सेस नहीं हो पाया है, मतलब कभी भी काम चल ही रहा है इसमें। देखने से लगता है कि काम होके हो चुका है। तो यहाँ 20 से अभी बनना बचा हुआ है, बाकी हाइट साइड पे बन चुका है, तो अभी काम चल ही रहा है। अभी देख सकते हो यहाँ पे फिर वही फाटक बंद है करके, अब वेट करना पड़ेगा। जाओगे तो आपको शिवनाथ नदी, जहाँ का मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, लेकिन हम लोग अभी इस साइड से चल रहे हैं। गांव नागपुर धमतरी गुंडरदेही दल्ली राजरा, तो ये चौक से राइट ले लेना है राजनांदगांव के लिए। चलो भाई साहब भी हैं, ड्यूटी निभा रहे अपना। ये वाली रोड में लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है, अगर आप यहाँ से राजनांदगांव जाने वाले हो तो। यहाँ से राजनांदगांव है 25 किलोमीटर। ये हम लोग पहुंच चुके हैं अंजोरा। अभी यहां से सोमनी भी चालू हो गया है। पेट्रोल पंप, अब
अगर आपको सिटी नहीं आना है तो आप जो ओवरब्रिज जो देख रहे हैं यहाँ से आप निकल सकते हो बाहर ही बाहर। ये रोड डोंगरगढ़ भी जाती है तो नागपुर भी जाती है, भंडारे भी जाती है। सुंदर सा चौक, तो सिग्नल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग कहीं रुक के चाय वगैरह पियेंगे, तो सब गाड़ी बनाने आया हुआ। यहाँ भी अच्छा खासा भीड़ है। ये आ गए हैं जलाराम, यहाँ पे एक बार और नाश्ता किया हुआ था मैं। तो हम लोग जलाराम पे, मैं खा रहा हूँ ढोकला और द्विवेदी खा रहा दही बड़ा। तो यहाँ जलाराम पे खाने का व्यवस्था है, ऊपर में आप आके खा सकते हो बड़े आराम से, और बहुत अच्छा फैसिलिटी है भाई यहाँ पे। तो मास्क निकालते हैं और फिर खाते हैं, क्योंकि भूख लग रहा है मेरे को। तो द्विवेदी कैसा लग रहा है? राजनाम लग रहा है भाई, मस्त एक नंबर। तो फटाफट खत्म करते हैं, फिर अभी बहुत सारे जगह अपने को जाना भी है, कुछ काम भी उसको भी निपटाना है। नाश्ता हमने अच्छे से कर लिया है, अच्छे ढंग से सब जो नाश्ता जो बना के दे रहे हैं वो ग्लव्स वगैरह लगाए हुए हैं, प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखे हुए हैं, और बाहर में सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं। अभी मार्केट आ गए हैं, आप लोगों को अब मार्केट भी थोड़ा बहुत दिखला देते हैं कि राजनांदगांव का मार्केट अभी कितना ओपन है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जाम लग जा रहा है यहाँ पे, आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे कुछ लोग मास्क लगाए हैं, कुछ लोग नहीं लगाए हैं। आप खुद देखिए यहाँ पे किस तरह से लोग जो है निकले हुए हैं, कुछ लोग लगाए हैं मास्क तो कुछ लोग नहीं लगाए हुए हैं। क्राउड तो भाई बहुत ही ज़्यादा है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे हर दुकान के बाहर में सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, दुकान के अंदर जब भी आप घुस रहे हैं तो आपको सैनिटाइज किए बगैर अंदर नहीं घुसने देंगे। पूरा मार्केट एरिया ये राखी का यहाँ दुकान लगा हुआ है। अरे वाह, केला, डुप्लीकेट चाबी। राजनांदगांव भी बहुत बड़ा सिटी है, इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पिकनिक स्पॉट है, धार्मिक स्थल है जो आप इजीली यहाँ पे आके घूम सकते हो। तो यहीं कहीं हम लोग अपना काम निपटाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी निकलेंगे। अब प्लानिंग करेंगे कि शायद हम लोग डोंगरगढ़ जा सकें, तो वहाँ देखते हैं बम्बलेश्वरी माता के दरबार पे हमें जाने मिलता है कि नहीं मिलता है। एक तरफ हार्डवेयर दुकान है, एक तरफ राखी की दुकान लगी हुई है। जब से हम लोग चले जा रहे हैं, ये हार्डवेयर की दुकान इस तरह से है, मनोज का बर्तन की दुकान। मतलब कि अब सिटी है तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कमेंट करके बताना जो राजनांदगांव से अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो, यहाँ पे और कौन कौन से स्पॉट है जो वाटरफॉल वाला, वो बताना मेरे को ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में उतना कोई जानकारी नहीं है। जो फेमस जगह है उसी के बारे में ही जानकारी है। तो अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चारों तरफ मार्केट है, काफ़ी भीड़ है, जैसे कि रायपुर में होता ना उस तरह का है, लेकिन हमारी विलायत में इस तरह का कोई क्राउड नहीं है जितना यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। आपने मेरा व्लॉग देखा होगा भिलाई वाला, उसमें इतना क्राउड नहीं है जितना यहाँ पे नज़र आ रहा है। अरे बाप रे, और सब फुटपाथ पे ही दुकान लगा दिए हैं, गाड़ी रख दिए करके। ये भी हो सकता है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। ये जो रोड है गुरुद्वारा वाली रोड है, तो यहाँ से हम लोग गुरुद्वारा के लिए निकलेंगे। ये जगह जगह जाम लग रहा है। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा भिलाई से राजनांदगांव बाइक राइडिंग वाला? अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ से अब देखते हैं कि हमें कहाँ जाने को मिलता है।